इस वीडियो में हम मेघालय के दर्शनीय स्थल पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। तो चलिए, जिन्हें हम पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो कशिश नाथ उपाध्याय जी की डिमांड पर बनाई जा रही है। जैसा कि उनने कमेंट किया था कि उन्हें ऐसे चाहिए, तो आज दोपहर में ही अपलोड कर दिया उन्होंने, रात तक का कहा था। यदि आपको मेघालय के अलावा इतिहास, मेघालय की जनजाति, संस्कृति, भोषण, वेशभूषा, भूगोल, नृत्य पर भी निबंध चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेघालय के दर्शनीय स्थल पर संस्कृत भाषा में निबंध। तो जो पहला दर्शनीय स्थल है वो है शिलांग। शिलांग जो मेघालय की राजधानी, आप सभी जानते होंगे। प्राचीन काले अस्य नाम, जो प्राचीन काल में इसका नाम पूर्वस्य स्कॉटलैंड आसीत, पूर्व का स्कॉटलैंड था। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? पूर्व का स्कॉटलैंड आसीत यानी था। शिलांगस्य प्रमुख पर्यटन स्थल, जो शिलांग के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो हैं शिलांग पीक, लेडी हैदरी पार्क, कैगाल रॉक, वार्ड सरोवरम, गज सरोवरम, संती। तो जो उसके प्रमुख पर्यटन स्थल यहीं आपने देख लिए। अब नेक्स्ट है चेरापूंजी। चेरापूंजी आप सभी जानते हैं मेघालय में ही। अस्य अधुना नाम सोहरा अस्ति, जो चेरापूंजी उसका नाम बदल दिया गया और उसका जो नया नाम है वो सोहरा है। सोहरा तो उसका अधुना नाम सोहरा यानी अभी उसका नाम है वो सोहरा है। अधुना कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आ की मात्रा लास्ट में नहीं लगी। अधुना नाम सौराष्ट्री। चेरापूंजी विश्व से सर्वाधिक वर्षा पतति नगरम अस्ति, जो चेरापूंजी है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने वाला नगर है। चेरापूंजी अस्य समीप यानी इसके समीप, किसके समीप? चेरापूंजी के समीप, समीप यानी समीप में दर्शनीय स्थल नौ कलिकाई सरोवरम अस्ति। इसके जो पास है वो दर्शनीय स्थल है वो क्या है? नौ कलाई सरोवरम। अब नेक्स्ट है सीजू गुफा, जो वहाँ की एक फेमस गुफा है मेघालय की, सीजू गुफा। तो जो सीजू गुफा है मेघालय से, सीजू गुफा भारत से प्रथम चूना प्रस्तर प्राकृतिक गुफा अस्ति। तो जो मेघालय की सीजू गुफा है वो भारत की प्रथम चूना पत्थर की प्राकृतिक गुफा है। अस्थियाँ ने सूजी गुफा एक दर्शनीय स्थल अस्थि, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लीजिएगा। जो सीजू गुफा है वो एक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है मोसमाई झरना, या जिसको सरोवर भी कह सकते हैं झरना को, मोसमाई झरना, मोसमाई गुफा चा दर्शनीय स्थल स्तः। देखो अस्थि स्तः संति, स्तः दो वस्तुओं के साथ उपयोग किया जाता है। तो जो मोरसाई झरना है या जिसको हम सरोवर भी कह सकते हैं, और मोरसाई गुफा, मोरसाई झरना और मोरसाई गुफा, च यानी होता है और, दर्शनीय स्थल अस्ति, ये दोनों दर्शनीय स्थल हैं। मोसमाई गुफा मानव निर्मितम नास्ति, जो मोसमाई गुफा है वो मानव निर्मित नहीं है। साफलंग, साफलंग को तो सभी लोग जानते होंगे, यहाँ का एक अत्यधिक आकर्षित करने वाला एक मनमोहक और दर्शनीय स्थल है। ये पाफलंग क्या है? तो पाफलंग एशिया महाद्वीप से सर्वाधिक स्वच्छम ग्राम अस्ति, जो साफलंग है वो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक स्वच्छ गांव है। जो एशिया महाद्वीप है उसका जो सबसे साफ गांव है। अत्र यानी यहाँ, कहाँ पे? माफलंग प्राकृतिक दृश्य अत्यधिक मनमोहक अस्ति, जो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है वो अत्यधिक मनमोहक है। नेक्स्ट देख लेते हैं माव सीनराम, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी की जगह, अब कहाँ होने लगी? माव सीनराम। तो माव सीनराम गुफा, गुफा को कोहराम भी कह सकते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो माव सीनराम गुफा माव सीन नराम ग्राम से समीपे अस्ति, जो माओ सीनराम गुफा है वो माओ सीनराम गांव के समीप है। नेक्स्ट है माओ सीनराम गुफा, जो माओ सीनराम गुफा है अस्य नाम मावीय मुइन अपि अस्ति, इसका अब नाम माओ मुद्दीन भी है। माओ सीनराम गुफा का मावीय मुइन गुफा भी है। तो आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।